हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय चैनल। चलिए आज हम WH वर्ड्स के द्वारा इंटरोगेटिव सेंटेंस को उदाहरणों के साथ देखते हैं कि किस प्रकार से हम WH वर्ड्स फैमिली के वर्ड्स विच, वेयर, व्हेन और व्हाई का प्रयोग करके किस प्रकार हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने WH वर्ड विच से। विच का मतलब मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं आपको सभी WH वर्ड्स के मीनिंग बता दिए हैं। तो विच का मतलब होता है कौन सा, और मैंने कहा था, बताया था कि विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजों के बारे में जानने के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं विच से कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर हैं, इससे आपको इन सब का प्रयोग बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो यदि हम इसका इंटरगेटिव बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, तो हो जाएगा विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी मन पसंद फिल्म कौन सी है? तुम्हारी मन पसंद फिल्म कौन सी है? विच इज योअर फेवरेट मूवी? विच इज योअर फेवरेट मूवी, या विच मूवी इज योअर फेवरेट, इस प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज यर, आपकी साइकिल कौन सी है? आपकी साइकिल कौन सी है? विच इज योअर बाइसिकल? विच इज योअर बाइसिकल, या विच बाइसिकल इज योर, इस प्रकार से हम विच का प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। अगला है वेयर। वेयर का मतलब मैंने बताया था आपको, आप भी जानते हैं कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेयर का प्रयोग हम किसी प्लेस या स्थान या जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप कहाँ काम करते हो? आप कहाँ काम करते हो? वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क, इसका जवाब होगा कि आई वर्क इन अ ऑफिस, आई वर्क इन अ स्कूल, या किसी प्लेस के बारे में बता देंगे कि आई वर्क इन कोरबा, आई वर्क इन दिल्ली, इस प्रकार से हम आप कहाँ काम करते हो प्रश्न का जवाब देते हैं। अगला है कि आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? नेक्स्ट, आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? जनरली हम पूछते हैं किसी की अच्छे सूट को देखकर, किसी के अच्छे सामान को देखकर कि आप ये सामान कहाँ से खरीदे हैं। जनरली हम इसका जवाब फिर किसी दुकान का नाम बताते हैं, या किसी बहुत अच्छे प्लेस का नाम बताते हैं, किसी मॉल का नाम बताते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, आपने अपना सूट कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट? अब यहाँ पर मैं डिड इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये पास्ट टेंस में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले WH वर्ड्स व्हेन के प्रयोग को देखें। व्हेन का प्रयोग मैंने बताया था, समय जानने के लिए होता है, या टाइमिंग जानने के लिए होती है। जैसे हम कहते हैं कि व्हेन विल योर फ्रेंड इज कमिंग, आपका दोस्त कब आ रहा है, तो इसमें हम समय की भी जानकारी प्राप्त करते हैं, या दिन का नाम भी हम जानते हैं, जैसे ही इज कमिंग ऑन मंडे, इस प्रकार से हम इसमें समय के साथ साथ दिन के नाम को जानने के लिए, नेम ऑफ डेज जानने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। जैसा पहला प्रश्न है, तुम अपना पाठ कब दोहराते हो? व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन? व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, इसका जवाब बहुत सारा हो सकता है कि आई रिवाइज माई लेसन्स इन द मॉर्निंग, या आई रिवाइज माई लेसन्स
इन द इवनिंग, इस प्रकार से इसका जवाब हो सकता है। नेक्स्ट है, आप हमारे यहाँ कब आ रहे हो, या आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। When are you coming to us? या When are you coming at our home? इस प्रकार से हम इसका जवाब कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। अगला है, तुम संजय से कब मिले, तुम संजय से कब मिले। When did you meet संजय, यहाँ पर भी देखिए did लगा है, means ये जो प्रश्न है वह पास्ट टेंस में बना हुआ है, भूतकाल में बना हुआ है, इसलिए हम जब पास्ट टेंस में कोई प्रश्न बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वह नाउन या कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, हम सब के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। तो तुम संजय से कब मिले, When did you meet संजय। इसका जवाब डे का नाम भी हो सकता है, इवनिंग टाइम भी हो सकता है, मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है, आफ्टर टू डेज हो सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समय या दिन का नाम या ड्यूरेशन या समय अवधि या समय का टाइम जानने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। अगला है व्हाई, क्यों, मैंने पहले ही बताया है मेरे पिछले वीडियो में कि व्हाई का प्रयोग हम रीजन या कारण जानने के लिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ये, आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं, व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, माने दूध पीने का कारण क्या है कि भाई उसको दूध पीने से उसका शरीर अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, उसको अच्छा लगता है, उसकी बॉडी बन रही है, उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पीता है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जहां पर रीजन की बात हो, क्यों हो, वहां पर हम वाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, Why are you sitting here? तुम यहाँ क्यों बैठे हो, Why are you sitting here? तो यहाँ पर उनके बैठने का कारण पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, Why are you crying? Why are you crying? इस प्रकार से हर रोने का कारण, यहाँ बैठने का कारण और यहाँ पर दूध पीने का कारण पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इस प्रकार से मुझे आशा है गाइस कि आपको विच, व्हेन, वेयर और व्हाई का प्रयोग इन उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।